राम प्रसाद कसेरा का जन्मदिन, मैं गाना सुनना चाहता हूँ आपसे। जो आपकी पसंद का गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर गाते हैं आप। आपका पसंद का गीत है ये? जी हाँ। कब से गुनगुना रहे गाने को? अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले ओ। कसरा जी 62 के आप हो गए, पर लगते नहीं आप 62 के। अरे हम तो आज भी युवा है। इसका बाहर है, हम सदा बाहर है। इसका राज क्या है? प्रसन्न रहो, खुश रहो, यही हमारी सेहत का राज है। कसरा जी जन्मदिन है आपका, और कुछ 2-3 सवाल मेरे मन में हैं। राजनीति में कैसे आ गए आप? स्टूडेंट लाइफ से हम पहले छात्र संघ का चुनाव लड़े, उसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने मनासा के, फिर उसके बाद लगातार संघर्ष जारी है। सभापति पार्षद रहे, अध्यक्ष रहे, जनता का अपार प्रेम मिला, यही हमारी पूंजी है। राजनीति में कौन लाया आपको? राजनीति में देखा जाए तो मैं आरंभ से मुन्ना बैरागी के साथ रहा। मुन्ना भैया हमारे मार्गदर्शक रहे, फिर दादा बैरागी जो है वो हमारे मार्गदर्शक रहे, उसके बाद में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हमारे मार्गदर्शक रहे। किन किन के नाम लूँ, सब हमारे नींव के पत्थर है। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो आपका आइडियल हीरो कौन है कांग्रेस में? नरेंद्र जी नाहटा है हमारा आइडियल हीरो। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, उसमें कौन है आपका आइडियल हीरो? हमारे जो पितृपुरुष जो नहीं हैं आज हमारे बीच में, सुंदरलाल जी पटवा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, और वो भी मुझे और हम मेरी पत्नी को और हम सबको बहुत चाहते थे। कोई यादगार स्मरण आप आता है उनका? बिल्कुल, सुंदरलाल जी पटवा जो है, कई बार मेरे को जब मैं अध्यक्ष था तब उनने बुला के ना मेरे को कई बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, अच्छी अच्छी बातें बताते थे मेरे को, और भोपाल में भी मेरे को मसाले की चाय पिलाते थे वो। 98 में कुछ आपको बुलाया था, कुछ कहा था, वो स्मरण सुनाइए ना। था ना उनने, वो चाहते थे कि आप बोलो, उनका कहना था कि भाई आप अच्छे लोग गलत पार्टी में हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे लोग हैं अच्छी पार्टी में। तो उनका ऑफर था कि आप इधर आ जाओ तो हम आपको अच्छा देंगे, सम्मान देंगे। और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बाद जो है अच्छी राजनीति समाप्त हो गई है और एक युग का अंत हो गया। अगर आप चले जाते उस समय बीजेपी में तो आज आप क्या होते? मैं देखो, ईश्वर जो होता है वो होता है क्या है, और वैसे भी भगवान की दया से मान सम्मान सब है मेरे पास, सब पब्लिक भी चाहती है, सब बढ़िया है। कभी पार्टी चाहे कि राम प्रसाद को विधानसभा लड़ना चाहिए? अरे बड़े बड़े लोग पहले हैं मेरे से, मैं क्यों क्या हूँ, मैं तो एक आम जनता का सेवक हूँ क्या। और मनासा का एक परिदृश्य बदला है हमने, एक दिशा और दशा बदली है हमने नगर की, यही हमारी उपलब्धि है और यही आम जनता की उपलब्धि मैं मानता हूँ उसको। आज आपका जन्मदिन है, जो जितने सारे आपके समर्थक हैं आपके फॉलोअर्स हैं, कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस खुश रहो, मस्त रहो, डंके की चोट काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस
पीछे पलट के नहीं देखना, आगे आगे देखो होता है क्या। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।